नेता राज ठाकरे को बेलापुर कोर्ट से मिली जमानत, 15,000 के निजी मुचलके पर अदालत से रिहाई, वाशी टोल पर तोड़फोड़ का मामला। नवम्बई वाशी टोल नाके पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बेलापुर कोर्ट में हाजिरी लगाई, जहां सुनवाई के बाद वाशी न्यायालय ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर रिहाई दे दी। कोर्ट ने उनको हाजिर रहने की ऑर्डर की थी, उसके मुताबिक वो आज अदालत में हाजिर हुए। 15,000 रुपये की जमानत पे उनकी रिहाई हो गई और 5 मई को अगली सुनवाई है। उनकी तरफ से अर्जी की गई कि उनको गैर हाजिर रहने की मुभा दी जाए, वो अर्जी पे 5 तारीख को सुनवाई होगी और फिर केस आगे चलेगा। दरअसल यह मामला 2014 का है, जब वाशी के विष्णुधार भावे नाट्यगृह में आयोजित एक जनसभा में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल वसूली को अवैध बताते हुए कार्यकर्ताओं से इसे रोकने का आह्वान किया था, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल पर जमकर तोड़फोड़ की थी और लाखों का नुकसान पहुंचाया था। इसी मामले में पुलिस ने राज ठाकरे पर कार्यकर्ताओं को भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया था। नहीं, सगळ्यात पहिल्यांदा एकतर या टोल नाक्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल ही केस होती। या टोल नाक्याच्या भ्रष्टाचार आणि अनियमितता याच्याबद्दल या महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय राजसाहेबांनी फक्त आवाज उठवला आणि महाराष्ट्र नवनीत या अगोदरसुद्धा शेकडो गुन्हे महाराष्ट्र सैनिकांवर दाखल आहेत। आम्हाला याचं आश्चर्य आहे की काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार असताना हा गुन्हा आदरणीय राजसाहेबांवर प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी दाखल झाला होता। आज शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे, त्यालाही ही भीती आहे राजसाहेबांची, म्हणजे सरकार काँग्रेस राष्ट्रवादीचं असो किंवा शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली। 2020 अगोदरचे सगळ्या राजकीय स्वरूपातले गुन्हे आम्ही मागे घेतो, अशा पद्धतीने एकाच वेळी शासन निर्णय काढायचा आणि राजसाहेबांवरचे गुन्हे मात्र मागे घ्यायचे नाही, अशी काहीतरी मनोवृत्ती या सरकारची दिसते। या संपूर्ण कोविड कालावधी डबेवाले असतील, लायब्ररीवाले असतील, शिक्षक असतील, विद्यार्थी असतील, सगळ्यांना कृष्णकुंज हीच आशा वाटते। तर मला वाटतं ही कुठेतरी भीती या सरकारला वाटते आणि त्या अंतर्गत हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्याचे आत्ताच वॉरंट निघणं, त्या संदर्भातल्या तारखेला आत्ताच हजर राहायला सांगणं, हे कुठेतरी सरकार घाबरलं आहे असं हे चिन्ह। सन 2014 में माननीय राज साहब ने विष्णुदास सभागृह में भाषण किया था। उस भाषण में पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्होंने प्रक्षोभक भाषण किया था, इसके वजह से वाशी पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर 153 505B और बॉम्बे पुलिस एक्ट 37 और 117 के अंदर गुनाह दर्ज किया था। उस गुनाह के लिए माननीय न्यायालय बड़े साहब ने उनको 15,000 की सशर्त जामीन की और उस जामीन के लिए हमारे कार्यकर्ता शाम कोहली थे और साहब ने वो मंजूर की दी। न्यायालय ने उनकी जयनल अर्जी को मंजूर किया और अगली तारीख 5 मई को रख दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे वकीलों ने उनके लिए परमानेंट एग्जम्पशन की प्रोविजन है, जो लॉ में जो प्रोविजन 205 में वो प्रोविजन में अर्जी की और कोर्ट ने उसको मान्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।